इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। ब्लाउज मैंने कट कर लिया है और ये अस्तर वाला ब्लाउज है और इसकी ओपनिंग फ्रंट में है। तो देखिए ये ब्लाउज है, ये इसका अस्तर है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट हम अस्तर पे कर लेते हैं और उसके बाद ब्लाउज पर। तो देखिए इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है, 12 इंच लिया है, तैयार में 10 इंच आएगा। और जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ पर मार्किंग कर, मुड्डे 5.5 इंच और शोल्डर भी 5.5 इंच। और अभी हम नेक ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा ब्रॉड रख रही हूँ मैं, इसमें डोरी भी लगाने वाली हूँ, 3 इंच लिया है। आने वाला है तो मैंने ये 12.5 इंच लिया है लंबाई। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैच भी आने वाला है। और अभी हम नेक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। इस ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। जो ड्राफ्ट बचा है इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लेते हैं। देखिए मैंने कैनवास ले लिया है और डबल फोल्ड कर लिया है और सेम इस ड्राफ्ट को इसके ऊपर रख देंगे। और इसकी जो चौड़ाई लेनी है 1 इंच लेनी है। देखिए मैंने कट कर लिया है और अभी साइज़ बता देती हूँ कितना लंबाई लिया है। देखिए इसकी जो लंबाई ली है 10 इंच है और जो इसकी चौड़ाई ली है ये 5 इंच के आसपास है। और अभी हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम शेप दे देते हैं। तो ये सेंटर से 1 इंच ले लें और 1 इंच से यहाँ पर हम इस तरह से इसकी शेप दे देंगे। सेम डॉट पर इसको कट कर लेंगे। और जो ये कैनवास है इसको भी हम इस तरह से, जिस साइड में इसकी जो साइनिंग रहती है इधर आप इसको साइनिंग वाले को इस तरह से रखें, इसके ऊपर आप अस्तर रखेंगे और यहाँ पे आयरन करेंगे तो ये चिपक जाएगा। और उसके बाद सेम शेप में इसको कट कर लेंगे और इसी तरह एक और पीस कट करेंगे। तो देखिए ये तो हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, अस्तर का काम करेगा, सेंटर में ये कैनवास रहेगा। और ये गोल्ड कलर का लिया जो कि ये पैच रहेगा, तो गोल्ड कलर को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे जो हमारा ये पार्ट है। सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए मैंने कुछ इस तरीके की बॉल बनाई है। ये बॉल कैसे बनाई है वो आपको बता देते हैं। देखिए बॉल बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है तो 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा चौकोर पीस है। और एक मैंने ये थर्माकोल का बॉल लिया है, आप इसकी जगह रुई भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम रख के इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर धागे से इसको बांध देंगे। कि फिनिशिंग के लिए हमको, जैसे हमने यहाँ पर कैनवास सेट कर लिया तो इन बॉलों को भी हम यहाँ पे इसके साथ ही स्टिच कर लेंगे। जो ये बॉल है इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ पे नेक की फिनिशिंग के बाद, तो इसको पहले स्टिच कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको लगा के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए ब्लाउज को सीधा रख लिया, उसके ऊपर अस्तर और जो कैनवास लिया है यहाँ से लेके हम पूरे नेक को स्टिच कर देंगे। जो ये नेक ड्राफ्ट है इसको कट कर देंगे, इसको पलट के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। और उसके बाद जो हमने ये पैच के लिए तैयार किया, देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया तो ये चिपक गया है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर पहले हम बॉल अटैच करेंगे, बॉल अटैच करने के बाद फिर से इसकी फिनिशिंग देंगे और फिर पैच अटैच करके इसकी डिजाइन करेंगे। तो देखिए पहले हम पैच को तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने बॉल लिए हैं इन बॉलों को यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, अंदर की साइड में ये बॉल आनी चाहिए, जो कपड़ा है इस साइड में आना चाहिए। बॉल मैंने पूरा स्टिच कर दिया है। अभी जो हमने ये पैच कट किया था इसको तैयार करते हैं। तो इसको हम इस तरह से, ये पार्ट सीधा है और ये पार्ट उल्टा है। और अभी स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। तो देखिए पैच हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। और जैसे ब्लाउज बताया था मैंने, नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया है, उसके ऊपर अस्तर और कैनवास, मैंने नेक को स्टिच कर दिया है। जो नेक है इसको कट कर देते हैं और इसको पलट के फिनिशिंग दे देंगे।
फिनिशिंग देते हैं, फिनिशिंग भी दे ली है। और जो हमने पैच तैयार किया था यहाँ पे मैंने एक लेस लगा दी है, अभी पैच को ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो एक मार्किंग आपको इसमें करनी है जो हमारा पैच है, और एक मार्किंग आपको ब्लाउज में करनी है सेंटर पॉइंट वाली। तो देखिए ब्लाउज को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लें, ऊपर से भी आप देख लें कि दोनों शोल्डर जो है आपके बराबर हैं कि नहीं। जैसे कि बराबर है तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, जो कि हम पैच अटैच करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट रहेगा। और इसी तरह से जो हमारा ये पैच है इसको तो यहाँ पे सेप है, तो इसीलिए आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें और यहाँ पे भी इसी तरह से मार्किंग कर लें। और अभी हम इसको पिन से सेट कर देते हैं और फिर स्टिचिंग डालेंगे। तो देखिए ये दोनों लाइनों को मैच कर लें, जैसे कि ये सेंटर लाइन है और ये लाइन है, तो ये पैच हमारा एकदम बराबर से है। अभी हम इसको पिन से सेट कर लेते हैं। पूरा हमारा अच्छे से पैच सेट हो चुका है और अभी हम स्टिचिंग डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शोल्डर से 3 इंच ले लें और सेम इस साइड में भी मार्किंग कर लें। देखिए दोनों साइडों में लटकन स्टिच कर दिए हैं। और देखिए मैंने एक गोल्ड कलर की लेस ली है, जो कि लेस को हम पूरे नेक में स्टिच कर देते हैं। एक लाइन किनारे पे स्टिच करेंगे और सेकंड लाइन थोड़ा सा गैप देके। थोड़ा सा गैप देके सेकंड लाइन भी स्टिच कर दिए और एक लाइन हम कमर में स्टिच कर देते हैं। ये लेस मैंने पूरी कमर में स्टिच कर दी, थोड़ा सा ऊपर रखा है लेस को, और जिससे हमारा ये ब्लू कलर भी दिख सके। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है, डबल दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर भी हमारी डबल लेस आ गई है, देखिए कितने सुंदर ये लटकन लग रहा है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाया है। इस तरीके का फ्लावर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो इस फ्लावर को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है देखिए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ब्लाउज का कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।